नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को और आज आपको दिखाएंगे रास्ता बापू धाम का और जहां पे प्रधानमंत्री की आवास विकास की योजना के फ्लैट बने हुए। ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप जो रत्ना फिलिंग सेंटर है गोविंदपुरम में, उसकी लोकेशन डाल सकते हैं, वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सामने ही रास्ता बना हुआ है दोनों तरफ आने जाने का, ये सीधा जाता है मधुन बापू धाम के लिए। आप रास्ते को देख सकते हैं, बहुत ग्रीनरी है और बहुत ही बढ़िया रास्ता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा पैच मिलेगा जो अभी काम जिस पे होना बाकी है, जिस पे रोड़ी बदरपुर पड़ चुका है, काला डामर वाली रोड बनने वाली है, जिससे बहुत ज़्यादा घुमाव जो पहले पड़ता था वो खत्म हो चुका है। ये आप रास्ता देख सकते हैं, पहले यहाँ वॉन्ड्री वॉल हुआ करती से हटा के अब रास्ता बीच में बनाया गया है जो कि सीधा मधुन बापू धाम के लिए जाता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के फ्लैट बने हुए हैं। थोड़ा सा ये पैच है 100-200 मीटर का, उसका प्लेन रोड शुरू हो जाती है। ग्रीनरी बहुत है इस रोड पे, पेड़ पौधे अच्छे से लगाए गए, अच्छी योजना डेवलप की गई है मधुन बापू धाम। तो यहाँ पे जो पहले फ्लैट मिलते हैं वो मिलते हैं काशीराम वाले, काशीराम योजना वाले। ये काफी पुराने हैं, उसके फ्लैट थोड़ा सा मरम्मत इनकी नहीं हो पाई, इससे पहले इन्हीं को दिया गया था ये फ्लैट। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट पीले वाले जो बन रहे हैं। और यहाँ पे बिजली का बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बिजली का बना रखा है यहाँ पे। और ये प्रधानमंत्री के कुछ फ्लैट तैयार हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से, जो आप देख पा रहे हैं राइट साइड पे। देखो कितने सुंदर प्यारे प्यारे लग रहे हैं नज़ारे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, अब शायद इनका प्रोसेशन जल्दी ही मिल जाए। रेडी है, रेडी टू मूव है एक तरह से ये। अगर इनके लिए अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर कोई बेचना चाहे तो वो बंदा उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, और जिसको लेना है वो भी उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वहाँ पर। विष्णु एसोसिएट से पता कर सकते हैं अगर कोई बेच रहा हो, कैसे अलाउ नहीं है बेचना ये, बाकी की मधुन बापू धाम की योजना ही है। ये समाजवादी योजना के हिसाब से बने हुए फ्लैट हैं, बड़े बड़े टावर, तो बहुत ही अच्छी सोसाइटी तैयार हुई है यहाँ पे। यहाँ पे शनिवार बाजार लगता है इसी रोड पे जहाँ पे आप देख रहे हैं, और पास में ही सीएनजी पंप भी है, सीएनजी गैस स्टेशन। ये आप देख सकते हैं टीएफसी के नाम से है यहाँ पे, केएफसी का छोटा भैया। तो ये भी मेंटेनेंस अगर इनकी प्रॉपर होते रहे तो मकान बहुत बढ़िया है इनके, लेकिन कुछ लोगों ने पोजिशन नहीं लिया अभी तक। देखिए ग्रीनरी की बात की जाए, रोड बहुत अच्छी बना रखी है, पेड़ पौधे लगा रखे सड़क किनारे, बाकी पूरी व्यवस्था है। ये सीएनजी स्टेशन आप देख सकते हैं, अगर कोई यहाँ रहेगा तो सीएनजी भराने की लाइन नहीं लगानी पड़ती, खाली रहता है। आने वाले समय में यहाँ पर बुनकर मार्ट तैयार हो जाएगा, आगे जाके आगे ही रास्ते पर पड़ेगा, आपको एक तरह से मॉल का काम करेगा, बहुत बेहतरीन। अभी यहाँ पे बसावट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके रहने के लिए, लेकिन कुछ अभी फ्लैट खाली है, तो अगर आप लेना चाहें तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन नंबर पे। ये बिजली घर है, यहीं से बिजली सप्लाई होती है, पावर ग्रिड लगा रखा है यहाँ पे। ये टंकी, ऐसी बहुत सी टंकियाँ लगी हैं पानी की जो सप्लाई करती है वाटर सप्लाई। ये वो मकान है ईडब्ल्यूएस वाले, इन्हीं में से हमारा भी एक फ्लैट है। पुलिस चौकी भी यहाँ बना रखी है, पुलिस चौकी भी है, एक बोर्ड आपने देखा हो पीछे निकल गया पुलिस चौकी का, आगे पुलिस थाना भी है, तो मधुन बापू धाम की चौकी भी है और थाना भी है। ये है बुनकर मार्ट जो बनकर तैयार, काफ़ी सालों से चल रहा है काम इस पर, लेकिन अब जोरों से चल रहा है, बीच में रुक गया था लॉकडाउन के चक्कर में, अब फिर से चल रहा है, बहुत ही बड़ा।
मॉल बनकर तैयार होगा, बुनकर मार्ट, पत्थर लगने काम चल रहा है यहाँ पे। जैसे आपने प्रगति बाजार में देखा ना पत्थर लगा हुआ हिसाब किताब है वहाँ पे प्रदर्शनी के लिए, वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। बहुत ही बढ़िया, कहते हैं 10 एकड़ में बन रहा है ये, बाकी बात तो जो पता नहीं, लेकिन हाँ इस सुनने में तो ये आया था काम चल रहा है। पीछे भी बहुत लंबा गहराई तक है इसका। तो यहाँ पे तो जितने भी हैं फ्लैट हैं, और आगे अगर हम चलेंगे तो वहाँ पे प्लॉटिंग भी हो रही है GDA की तरफ से। तो ये बुनकर मार्ट ही देख रहे हैं अभी आप, इधर खाली एरिया में यहाँ भी प्लॉटिंग है, कई लोगों के प्लॉट हैं जिन्होंने बनाए नहीं अभी, जो अपने लेफ्ट साइड में देखा था अभी। ये बुनकर मार्ट का स्टार्टिंग है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन निकल गया है। जब तैयार हो जाएगा तो बहुत ही भीड़ रहेगी यहाँ पे। और यहीं से अगर सामने देखेंगे तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का रोड गया हुआ है पास से। ये सब प्लॉटिंग की जगह है, यहाँ पे कुछ लोगों के प्लॉट भी है जिन्होंने बना रखे हैं, 500-500 गज के प्लॉट हैं ये। बाकी ये पार्क आप देख सकते हैं साइड में, ये पार्क है जो दिख नहीं पाया इसमें फोन में ढंग से। इस साइड में जो है लेफ्ट हैंड पे पूरा पार्क है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बाकी पानी टंकी आप सामने देख सकते हैं, रोड पे स्ट्रीट लाइट, लेकिन फिलहाल ये स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं जलती, पता नहीं क्यों, रात में गया नहीं, पहले तो ये बंद रहती थी, सदा तो रिपेयर हो चुकी हो ये पानी टंकी। ये सब प्लॉटिंग की जगह है जिन पे अभी किसानों ने खेती कर रखी है, लेकिन अगर कोई लेना चाहेगा अपना पोजीशन जिन्होंने बुक कर रखा होगा तो उनको हैंडओवर भी किया जाएगा। एक दोनों प्लॉट में घर भी बना रखा है। तो टंकी हर 500 मीटर दिख रही है आपको। पानी की टंकी, और सामने आप देख पा रहे हैं घर भी बना रखा है, व्हाइट कलर का दिख रहा होगा आपको, जहाँ मैं उंगली पॉइंट आउट कर रहा था ये व्हाइट कलर का। तो ये सब वो जमीन है जिन लोगों ने ले रखी है, लेकिन अभी तक हैंड ओवर नहीं की गई है, उन्होंने अभी कब्जा लिया नहीं है, चक्कर में किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन जब वो लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो ये रोड पे आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा पुलिस थाना बदमन बापूधाम का। तो चौकी आप पीछे देखिए, यहाँ पे थाना भी है, जो इसमें संजय नगर जहाँ में रहता हूँ वहाँ के भी कंबाइंड किया गया। ये आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देख सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आगे, ये सब प्लॉटिंग की जगह है। तो थोड़ा सा पैच यहाँ भी आता है जो यहाँ रोड थोड़ी सी टूटी हुई है, राइट हैंड पे देख सकते हैं वाटर सीवेज का जो भी पानी होता है वो सब ट्रीटमेंट होता है, पानी फिर छोड़ जाता है नालों में। और ये पुलिस थाना देख सकते हैं आप, इसको इस बिल्डिंग को कन्वर्ट किया गया था पुलिस थाने में, मधुबन बापूधाम का थाना ये। तो सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छी हो चुका है यहाँ पे। तो ये बैरियर लगा रखे और यहाँ भी टावर है, मतलब आने वाले समय में ये बहुत अच्छी कॉलोनी के रूप में होने वाला है, कॉलोनी है क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छी डेवलप इलाका होने वाला है, सेक्टर 23 हमारा था वैसे ही। और ये जो आपने देखा यहाँ जो रोड चढ़ाए हम, अगर राइट हैंड पे जाएंगे तो दोहाई तरफ जाएंगे, और इस समय हम जो चल रहे हैं ये गोविंदपुरम के लिए रास्ता जाता है सीधे, और यहाँ से प्लॉटिंग होने वाली है, रास्ता कट रखा है, यहाँ भी रोड कोई प्लॉट बन रखे हैं, कई सारे प्लॉट पे वो मतलब मकान बन रखा है। तो यही रास्ता है जो सीधे चलते चलते वहाँ पहुँचाएगा आपको गोविंदपुरम मेन रोड पे। तो बाकी बस कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट करके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए।